अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सीआरपीएफ परिसर में मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार को कैंपस की महिलाओं की साइकिल रेस से की गई। साइकिल रेस को डीआईजी आरएस रावत द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। करीब 8 किलोमीटर लंबी इस साइकिल रेस में कैंपस की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह पूर्वक भाग लिया। रैली के समापन के अवसर पर साइकिल रेस में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाली महिलाओं को गोल्ड मेडल प्रदान कर सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ में रेस में भाग लेने वाली प्रत्येक महिलाओं को मेडल और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। इसके बाद महिलाओं को व्यायाम भी करवाया गया और महिलाओं के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को विशेष डॉक्टर द्वारा महिला संबंधित रोग की जानकारियां प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का यह कार्यक्रम डीआईजी आरएस रावत के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय कावा अध्यक्ष संतोष रावत के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। आईजी आरएस रावत ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी सीआरपीएफ परिसर में मनाया जा रहा है, जिसमें कैंपस की महिलाओं के लिए साइकिल रेस करवाई गई है। इसी के साथ ही शनिवार को सीआरपीएफ में महिलाओं की मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा और रविवार को महिलाओं के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन भी किया जाएगा। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का समापन सोमवार को समारोह के रूप में आयोजित कार्यक्रम के साथ किया जाएगा।